हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये शब्द जितने गहरे हैं, इन शब्दों को लिखने वाले का व्यक्तित्व भी उतना ही गहरा है। बेशक मैं जिक्र कर रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अपने नाम की ही तरह अटल, कभी ना हार मानने वाले अटल जी के बारे में एक कहानी है जिसे शायद ही आपने सुना होगा। बात है 1984 की, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में आम चुनावों की घोषणा हुई। इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए राजीव गांधी एक शानदार जीत हासिल करके प्रधानमंत्री बने। भाजपा अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी अपने गृह नगर ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे। ग्वालियर की पूर्व रानी राजमाता विजया राजे सिंधिया वाजपेयी जी का समर्थन कर रही थी। नामांकन के आखिरी दिन तक वाजपेयी जी की जीत लगभग तय थी। कांग्रेस ने राजमाता के पुत्र माधवराव सिंधिया को उम्मीदवार बनाया। वाजपेयी अपने पड़ोसी भिंड निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें देर हो गई। वाजपेयी जी 1.65 हजार वोटों के अंतर से ग्वालियर से हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 ही सीटें जीती। इन सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात की एक एक सीट थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हम दो हमारे दो कहकर भाजपा का मजाक उड़ाया। वाजपेयी जी को अपमानित किया गया, वे पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी बुरी तरह से हार गई थी और उनकी व्यक्तिगत हार ने उन्हें और भी ज़्यादा आहत पहुंचाई। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। 1990 में भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा ने पार्टी की किस्मत बदल दी। 1951 के आम चुनावों में भाजपा ने 120 सीटें जीती। भाजपा ने गुजरात और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। हालांकि आडवाणी और वाजपेयी जी की होड़ या कहें प्रतिस्पर्धा को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। ये प्रतिस्पर्धा हमेशा से ही हवा में थी, लेकिन आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा के पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करके सभी को चौंका दिया। चौंकाने वाली बात ये भी थी कि ये पहली पार्टी थी जिन्होंने चुनावों से पहले ही पीएम उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। 1996 के आम चुनावों में भाजपा ने 161 सीटें जीती। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। केंद्र में भाजपा की ये पहली सरकार थी, लेकिन ये सरकार केवल 13 दिनों तक ही चली, क्योंकि वाजपेयी जी संख्या साबित नहीं कर सके। उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी। 1997 में सदन में हुई एक बहस के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कहा, मेरे शब्दों को चिन्हित करें, आज आप लोग कम सांसद और विधायक होने के लिए हम पर हंस रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम पूरे भारत में सबसे अधिक एमपी एमएलए वाला दल होंगे, और उस दिन देश के लोग आप पर हंसेंगे और आपका मजाक बनाएंगे। और यकीन मानिए, वाजपेयी जी के ये शब्द सही साबित हुए। 2019 के आम चुनावों में जब भाजपा पूर्ण बहुमत से विजयी होकर कांग्रेस को ठेंगा दिखा रही थी। तो ये थी 7i News की खास पॉलिटिक्स पेशकश। आप बने रहिए 7i News के साथ। नमस्कार।